स्टॉप पेइंग थाउजेंड ऑफ डॉलर टू द लॉयर्स फॉर द इमिग्रेशन प्रोसेस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हाउ डज इट गोइंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में आ जाने के बाद इमिग्रेशन की प्रोसेस सारी आपको क्यों करनी चाहिए, जैसे कि वर्क परमिट अप्लाई करना, अपनी पीआर अप्लाई करनी, वो आपको खुद ही करनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि मैं कनाडा में ऑलमोस्ट 5 साल से रह रहा हूँ और मैंने खुद ही वर्क परमिट अप्लाई की, खुद ही पीआर अप्लाई की और इस पूरी प्रोसेस में मुझे कभी भी लॉयर या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया पूरी प्रोसेस को जानने में, जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोसेस से जा चुके हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस आप खुद ही कर सकते हो। पहले बात करें हम तो आपकी जब भी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो आप पीआर की जॉब ढूंढते हो, उसके लिए आप किसी लॉयर या किसी का कंसल्ट करते हो तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एलएमआई के थ्रू जाओ। इवन तो आपकी प्रोसेस एकदम सिंपल होती है और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप 2 साल पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद वर्क परमिट पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस ख़त्म करो, उसके बाद पीआर आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। इसका इतने सिंपल सिनेरियो के बाद भी काफ़ी लॉयर्स मैंने देखे हैं मेरे फ्रेंड के साथ, जिन्होंने बिना काम को, बिना वजह के उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप LMI से काम कराओ तभी आपकी PR होगी, क्योंकि आपका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, आपका केस थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको PR नहीं मिलेगी इजीली। कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो लोग 20-30 हज़ार डॉलर चार्ज करते हैं इस चीज़ के, ताकि वो PR के लिए ऐसी कोई जॉब ढूंढ के दे जो एम्प्लॉयर आपको PR के लिए सपोर्ट करता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन से दैट कि वो जॉब आप खुद ही ढूंढ सकते हो। जैसे ऑनलाइन कनाडा में काफ़ी जॉब प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंडीड है, लिंक्डइन है, आप उन पे अप्लाई कर सकते हो अपनी जॉब्स के लिए। आप जो भी फील्ड में हो, या इवन फूड सेक्टर में सुपरवाइजर, कोई भी IT फील्ड में आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो और खुद ही वो जॉब ले सकते हो। तो जैसे वहाँ पे कई सोशल मीडिया में ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे फेसबुक में होते हैं ग्रुप्स, जैसे यहाँ पे है इंडियन इन हैलिफैक्स, फिर इंस्टाग्राम पे एक पेज है जैसे ओनली नोवा स्कोशिया, वो लोग अपनी जॉब्स एंड अकोमोडेशन और सारी डिटेल्स वो लोग अपडेट करते रहते हैं जो लोग PR में सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी अमाउंट, इट इज़ रियली बिग अमाउंट। तो मेरी उन लॉयर्स से भी ये रिक्वेस्ट है और कंसल्टेंट से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इतनी बड़ी अमाउंट चार्ज मत करो किसी को जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि वो किसी की 2-3 साल की हार्ड अर्न मनी है। तो जैसे ही आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करो कि कौन से प्रोविंस में अभी इमिग्रेशन प्रोसेस सिंपलर है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोविंस में इमिग्रेशन की प्रोसेस काफ़ी अपडेट होती रहती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी से पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछो कि कहाँ पे प्रोसेस ईजियर है, फिर वहाँ पे जॉब्स से अप्लाई करो स्टार्ट करनी, और जब भी वहीं की कहीं भी वो उस प्रोविंस से आपकी जब भी एम्प्लॉयर से किसी इंटरव्यू आए, आप इंटरव्यू में ही सीधा पूछ सकते हो कि हे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इमिग्रेशन प्रोसेस आफ्टर गेटिंग द 2 years or 1 year एक्सपीरियंस एट दिस वर्क, सो इज़ इट समथिंग दैट यू सपोर्ट। टू बी क्लियर, सारे लॉयर्स एंड कंसल्टेंट ऐसे नहीं होते, कई बार आपका सच में सिनेरियो डिफरेंट होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी बात सच होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो बात सच नहीं होती, क्योंकि सारे लॉयर्स अच्छे नहीं होते या सारे बुरे नहीं होते। तो मेरी आप सभी से यही एक सजेशन है कि पहले आपकी रिसर्च करो खुद ही कि आपका केस कैसा है, और पता करो कि आपके केस में रियली रिक्वायर्ड है LMI है या जो भी जो आपका लॉयर सजेस्ट कर रहा है तरीका, उसकी रियली रिक्वायरमेंट है तो फिर ठीक है, अदरवाइज डोंट गो डाउन दैट रोड एंड जस्ट गो विद द नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसेस। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, आपने PR के लिए एक्सपीरियंस भी इकट्ठा कर लिया जॉब में, 1-2 साल जो भी रिक्वायर्ड है, अब बात आती है PR अप्लाई करने की। तो कई लोग लॉयर्स या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं PR, और वो लोग 4-5 हज़ार डॉलर ऐसे ही चार्ज कर लेते हैं, जो चीज़ आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई करना है, CIC की साइट पर सब कुछ मैंशन है पूरा इन डिटेल, और अगर आपको किसी प्रोविंस के थ्रू PNP वगैरह अप्लाई करना है तो उसके लिए भी पूरी डिटेल्स उसकी साइट पे उन्होंने मेंशन की हुई है, एकदम अच्छे तरीके से लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे नोवा स्कोशिया में novascotiaimmigration.com है, उस साइट पे हर एक स्ट्रीम, जो भी जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाहोगे उस स्ट्रीम की सारी डिटेल्स novascotiaimmigration.com पे लिखी हुई है, और वहाँ पे पूरी एप्लीकेशन गाइड भी अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हो जो जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाहते हो, और उसके बाद पढ़ने के बाद आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उन्हें कॉल या ईमेल भी कर सकते हो और आप अपना डाउट या क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो।
और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली या किसी से भी पूछ सकते हो जो ऑलरेडी उस प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है। अपने लोग तो काफ़ी काइंड एंड हेल्पफुल है, उन्होंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि किस स्ट्रीम में आपको अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फ्री ऑफ चार्ज। और कई बार तो ऐसे भी वीडियो अवेलेबल है जो पूरी लाइन बाय लाइन उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है और उसकी पूरी वीडियो बना के आपको वहाँ पे आपके लिए रेडी है, तो आप वो पूरी वीडियो वहाँ पे भी देख सकते हो। या आज अभी भी आप फॉर्म फिल कर दो, आपको ऐसा है कि कुछ गलती ना हो जाए उसकी वजह से, आप अपने फ्रेंड को भी पूछ सकते हो रिव्यू करने के लिए फाइल। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है और आप कोई भी गलती नहीं करना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड इट। दैट्स वाई कई लोग चूज़ करते हैं कि वो लॉयर के थ्रू करे, बट माई क्वेश्चन इज डज इट इवन रियली वॉट पेइंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। डोंट फॉल फॉर दिस कंसल्टेंट ट्रैप्स, दे आर जस्ट देयर टू मेक अ क्विक बक्स। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी खुद रिसर्च करो, थोड़ा टाइम एंड एफर्ट लगाओ। हाँ, थोड़ी प्रोसेस लंबी है, थोड़ा टाइम लगेगा एंड आपको भी थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू कॉमेंट इट डाउन देयर। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ब्ला 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 ब्ला। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू सून।